तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग नए चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो हे गाइस, मेरा नाम है कृष्णस के और टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, नए चैनल को ग्रो करने के लिए आपको करना क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। पहले आप लोग सोच लो कि आपको जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनानी है। जिस कैटेगरी में आप लोगों को वीडियो बनानी है उस कैटेगरी की दो वीडियो रोज बनाओ और उन दो वीडियो को डेली अपलोड करो। सुबह वीडियो 9 बजे, एक वीडियो 9 बजे अपलोड कर दो, दूसरी जो वीडियो है वो शाम को 5 बजे अनलिस्टेड करके आप लोग टाइम सेट करके रख दो, ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगी। सेट कर दो, एक सुबह 9 बजे अपलोड कर दो और एक शाम 7 बजे, ऐसा आपको डेली करना है रेगुलरली। और साथ ही आप लोगों को एक काम और करना, क्या चलिए मैं बताता हूँ। एक आप लोगों को उसी कैटेगरी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्रिएट करना है और उस शॉर्ट को डेली आपको 1 बजे अपलोड कर देना है। और शॉर्ट को 1 बजे क्यों अपलोड करना है वो भी बताऊंगा, और वीडियोस को 9 बजे और शाम को 5 बजे क्यों अपलोड करना है वो भी मैं बताऊंगा। देखो, फर्स्ट अगर आप लोग सुबह को वीडियोस को 9 बजे अपलोड करते हो तो सुबह को लोग फ्री होते हैं, जो भी यूजर्स हैं वो आपकी वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपकी वीडियोस का जो CTR है वो बढ़ेगा और आपके चैनल जो ग्रोथ में जाएगा। शाम को जो लोग हैं वो फ्री होते हैं, दोपहर में इतने ज्यादा फ्री नहीं होते, शाम को फ्री होते हैं तो शाम को आपकी वीडियोस का CTR बढ़ेगा और आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचेगी और लोग देखेंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा। क्योंकि YouTube करता क्या है, जब आपकी वीडियो अपलोड होती है फ्री होती है तभी सभी लोगों के पास इंप्रेशंस भेज देता है और उस समय मान लो और 2 घंटे तक का जो रिजल्ट है वो देखता है। अगर 2 घंटे में अच्छे खासे व्यूज अगर आपकी वीडियोस पे नहीं आते तो YouTube क्या करता है, आपकी वीडियोस की जो ग्रोथ है वहीं स्टॉप कर देता है। बट सुबह और शाम के जो व्यूज हैं वो अच्छे आ जाते हैं, इसीलिए आपको जो यूट्यूब है वो करेगा क्या, आपकी वीडियोज को रैंकिंग में ले जाएगा और आपके चैनल को ग्रोथ में काफी सी जो है हेल्प मिलेगी। और साथ ही आप लोगों को शॉर्ट को 1 बजे अपलोड क्यों करना है वो मैं बता दूं। YouTube पे शॉर्ट अपलोड करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि शॉर्ट जो है वो काफी स्पीड से वायरल हो जाते हैं, और जब शॉर्ट काफी स्पीड से वायरल होते हैं काफी अच्छे व्यूज आ जाते हैं बिना किसी सब्सक्राइबर्स के भी, तो आप लोगों को शॉर्ट को अपलोड करना है और शॉर्ट से आपके जो है सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो उसी कैटेगरी के सब्सक्राइबर आ रहे हैं गाइस, जिस कैटेगरी की आप लोग जो वीडियोस बना रहे हो, मतलब कि जिस कैटेगरी की आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो उसी कैटेगरी की वीडियोस देखने के लिए आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर आ रहे हैं आपकी शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो आप लोग डायरेक्टली करोगे क्या, अपनी शॉर्ट वीडियो डाल के 1 बजे छोटा सा शॉर्ट होता है, 1 बजे लोग लंच के लिए फ्री तो होती है तो 1 मिनट का शॉर्ट कोई भी देख लेता है। तो शॉर्ट देखने के लिए आप लोग जो अगर 1 बजे शॉर्ट अपलोड करोगे तो आपका शॉर्ट काफी ग्रो होगा, और शॉर्ट ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जो है अपने चैनल को भी ग्रो कर पाओगे। तो इस तरह से आप लोग जो है काम करके अपने YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ा सकते हो। तो ये सारे काम जो भी मैंने आप लोगों को बताए वो सारे काम अगर आप लोग अपने चैनल पे रेगुलर से 2 महीने तक करते हो तो आपके चैनल को काफी ज्यादा हाई स्पीड से ग्रोथ मिलेगी और काफी स्पीड से आपका जो चैनल है वो ग्रो होने लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए।